आप सुन रहे हैं कहानी बेइंतहा सफर इश्क का भाग 53। आकाश अपनी कार से उतरकर अभी मेंशन में दाखिल ही हो रहा था कि हाउस मैनेजर तुरंत उसके पास आता हुआ कहता है, सर आपका एक पार्सल आया है, उसमें पर्सनल लिखा है। आवाज़ सुनकर आकाश उस मैनेजर और फिर उसके बाद उसके हाथ में पकड़े एक बॉक्स की ओर देखता हुआ पूछता है, क्या है इसमें? सब पर्सनल है, इसलिए आपकी परमिशन के बिना कैसे चेक कर सकता था। ठीक है, खोलो इसे। आकाश वहीं ठहरा उसे कहता हुआ बॉक्स पर अपनी नज़र जमा देता है। मैनेजर आदेश सुनते उस बॉक्स को खोलने लगता है। बॉक्स की पैकिंग बहुत ही अच्छे से की गई थी जिससे उसे काफ़ी समय लग गया उसे खोलने में, और वहाँ खड़े खड़े आकाश उसे इस पर कस कर घूरने लगा। सर लगता है कुछ कांच का सामान है, ओपन करोगे तब तो देखूंगा मैं, आकाश गरजते हुए कहता है। अगले ही पल आखिर वे बॉक्स खोलकर उसकी नज़रों के सामने रख देता है। आकाश देखता है कि उस बॉक्स में सच में कुछ कांच की शीशियाँ रखी हुई थी। आखिर उन कांच की शीशियों में था क्या और किसने भेजा है इसे और क्यों? आकाश अभी मंथन कर ही रहा था कि मैनेजर उस बॉक्स से पड़ी एक पर्ची उठाते उसे पढ़ते हुए कहता है, सल्फ्यूरिक एसिड। वह नाम पढ़ता हुआ उन शीशियों को देख ही रहा था कि आकाश के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसकी हाव भाव एकदम से घबराए हुए हो गए। वह तत्परता से उस बॉक्स को अपने से दूर ढकेल देता है और ऐसा करते वह बॉक्स और उसकी शीशियाँ झटके से ज़मीन पर गिरती छन से टूटती हुई बिखर जाती हैं। वह सच में एसिड था और गिरते ही उस स्थान पर जलने का तेज निशान के साथ एक तेज गंध तक फैल जाती है। मैनेजर ये सब देखते कुछ समझ ही पाता, पर आकाश उसकी तो हालत ही खराब हो जाती। वह मैनेजर का गिरेबान पकड़े तेज तेज चीखने लगा, तुम्हें यहाँ रखा क्यों गया है? तुम चेक नहीं कर सकते थे? कोई भी कुछ भी मेंशन में भेज देगा। यू इडियट गेट लॉस्ट, जाओ अब से सारे सामान अच्छे से स्कैन होने के बाद ही मेंशन में आएंगे, उस सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ। आकाश पागलों की तरह चीखता हुआ अब गार्ड रूम की तरफ दौड़ जाता है। उसे इस तरह आते देख वहाँ भगदड़ सी मच जाती है। सारे सिक्योरिटी गार्ड उसके पास दौड़ते हुए आते हैं। उन्हें देखते ही आकाश उन्हें तेज तेज बोल कर निर्देशित कर रहा था। उस वक्त उसकी हालत एकदम बिखरी हुई नजर आ रही थी। वे सबको एक ही बात बार बार कहे जा रहा था। तभी उस वक्त अरुण वहाँ आता है। वे आकाश को इस तरह चीखते हुए देखता तुरंत ही इसका माजरा जानते हुए, जिस पर आकाश उसी बिखरी हालत में कहने लगा, वो विवेक बहुत चालाक है, वो कुछ भी कर सकता है। पहले वो तुम्हारे जरिए ऑफिस में घुसा और फिर मेनका की ज़िंदगी में, उसके बाद उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेंशन तक चला आया। लेकिन अब मैं सिक्योरिटी और टाइट करा दूंगा, फिर वो बिल्कुल नहीं आ सकेगा और ना मेनका से मिल सकेगा। डोंट वरी, यहाँ सब सिक्योर है, वो यहाँ नहीं आ सकता। तुम नहीं जानते, वो घात लगाकर हमला करने वाला शख्स है, वो मेनका से कभी भी मिल सकता है। मेनका मासूम है, वो नहीं जानती कि वे कितना कमीना है, आकाश बड़बड़ाते हुए कहे जा रहा था। और अरुण भी उस पर चुप रह गया। आकाश का कहा हुआ वाक्य अरुण को भी सोचने पे मजबूर कर रहा था, क्योंकि हॉस्पिटल में भी इतनी सिक्योरिटी के बाद भी विवेक मेनका से मिल लिया था और किरण के किडनैप होने की बात तो पहले से ही उसके मन में सुलग रही थी। आकाश अभी भी कहे जा रहा था, मेनका कुछ नहीं समझती कि वो कितना घातक शिकारी है, तुम्हें यकीन नहीं होगा, देखना मेनका के कॉल लॉग में उसका नाम होगा, वो उसका माइंड वॉश कर रहा है। आकाश की एक एक बात अरुण के दिमाग में उबलते प्रतिशोध में घी का काम कर रही थी। अरुण अब तुरंत मेनका के पास चल देता है। मेनका कही बात कर रही थी। अरुण उसके पास आता, उसके कान से जरा मोबाइल हटाते उसके सामने बैठता हुआ कह रहा था, मुझे विवेक से मिलना है। बोलो कहाँ है इस वक्त? मेनका तो पहले ही चाहती थी कि अरुण विवेक से मिले, और अब वो खुद आकर कहने लगा तो मेनका झट से हामी भरती है। इसी बीच अरुण उसके खुले मोबाइल का कॉल लॉग भी चेक कर लेता है, और सच में आकाश की कही बात अक्षरशः साबित होती है। ये देखते ही उसका मन अंदर ही अंदर और सुलग उठा था। पर इस सबसे बेखबर मेनका विवेक की लोकेशन अरुण को सेंड कर रही थी। लोकेशन मिलते ही अरुण तुरंत वहाँ से निकल जाता है। होने को कुछ और ही मंजूर था। मेनका कुछ समझ नहीं पाई और अरुण अभी तक सारे सच से पूरी तरह से बेखबर बना हुआ था। वे तुरंत अपनी कबर्ड से पिस्टल निकालकर उसे अपनी जेब में ठूसता हुआ बाहर की ओर तेजी से जाने लगता है। वह जिस आक्रोश से बाहर जा रहा था कि राजवीर के उसे टोकने पर भी वह उसकी ओर नहीं देखता, वे भी जाते बस मेनका तक किरण का संदेशा दे देता है और साथ ही अरुण का इस तरह गुस्से में जाना भी बता देता है। ये सुनते मेनका के पैरों तले जमीन ही सरक जाती है।
उसे अब लगने लगता है कि इन सब बातों का कहीं उसका भाई गलत मतलब ना निकाल ले और इसका सीधा काम या जा कहीं विवेक को न भुगतना पड़े। वे तुरंत ही राजवीर के साथ बाहर निकल जाती है। अरुण जा चुका था जिसे मेनका अब राजवीर के साथ विवेक की लोकेशन पर चल देती है। हर एक पल बीतने के साथ उसके मन की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। चाय, वे लड़का चाय लिए ठीक विवेक के सामने खड़ा था। विवेक उसी जगह मौजूद था जहाँ सेल्विन ने उसे रुकाया था। वे कहीं जाने के लिए बस निकलने ही वाला था तभी पास की टपरी से आता एक लड़का चाय का गिलास लिए उसकी ओर बढ़ाता हुआ बेहद उत्सुकता से उसे देख रहा था। लड़का जितनी उत्सुकता से विवेक को देख रहा था विवेक का उतना ही उस पर ध्यान नहीं गया। नहीं चाहिए विजय, लड़का चाय वापस लेता हुआ जोश में कहने लगा। मुझे पहचाना, जब तुम उस बस स्टैंड पर खड़ा था साहब तब मैं सिंगदाना बेचा करता था। अब मैं सिंगदाना नहीं बेचता, अभी उस टपरी पर काम करता हूँ। विवेक रुखाई से एक नज़र उसे देखता बस सिर हिलाता हुआ अब सड़क की ओर देखने लगता है। लड़के को विवेक की रुखाई उदासीन कर देती है जिसे चाय वापस ले विवेक को देखता हुआ जाने लगता है। तभी विवेक का मोबाइल बज उठता है। वह मोबाइल को निकालने उसका स्क्रीन देखता है। स्क्रीन में मेनका का नंबर शो कर रहा था। कुछ क्षण तक वह मोबाइल को घूरता रहा पर उसने उसकी कॉल रिसीव नहीं की। मेनका लगातार कॉल करती रही जिससे चिढ़ते हुए विवेक मोबाइल को म्यूट करके उसे अपनी जेब के सुपुर्द करता फिर से सामने सड़क की ओर देखने लगता है। अभी उसकी नज़र सामने गई थी कि एक शानदार कार ठीक उसकी नज़रों के सामने रुकी और उसी क्षण उसके आगे के दरवाजे से तुरंत ही उतरता हुआ अरुण फुर्ती से उसके सामने पहुँच गया। इससे पहले अभी विवेक को समझ पाता उससे पहले ही अरुण विवेक पर एक कस का मुक्का जड़ देता है। विवेक इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। अचानक हुए हमले से वे एक ओर जाकर गिर पड़ता है। वे जमीन की ओर गिरा अभी बात समझता उसके पहले ही अरुण ताबड़तोड़ उस पर मुक्कों की बारिश करने लगता है। वे बुरी तरह से उसे अभी घूसे कभी लात से उस पर भारी पड़ रहा था। आके विवेक अरुण का हाथ पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से अपने होठों के किनारे को बहते खून को पोंछते हुए कहता है, बहुत हो चुका अरुण, अब मेरा हाथ भी तुम पर उठ जाएगा। जिसमें दम होता है वो उसे बातें नहीं करते। कहते हुए अरुण अपना हाथ झटके से छुड़ाकर उसे जोर से पीछे की ओर धक्का दे देता है जिससे विवेक पीठ के बल सड़क पर तेजी से गिर पड़ता है। इतनी ही देर में अरुण अपनी शर्ट में घुसी पिस्तौल निकाल कर उस पर तान देता है। आज मैं तुम्हारा किस्सा यहीं खत्म कर दूंगा। बहुत धोखा दिया तुमने मुझे और मेरे परिवार को। मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले? विश्वासघाती, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अरुण उस पल पिस्टल ताने था जिससे विवेक कुछ और हरकत नहीं कर पाया और इसका फायदा उठाते हुए विवेक पर लातों से ताबड़तोड़ वार करने लगता है। विवेक पहले से ही घायल था और इस तरह के वार से उसका शरीर कुछ देर में खून से छलछला जाता है। अरुण इतना गुस्से में था कि वे बिना उसे मौका दिए बस उस वार पर वार किए जा रहा था। अरुण देखो तुम सही नहीं कर रहे हो, विवेक बुरी तरह से चीखता है। पर अरुण पर तो जैसे खून सवार था। उसके अब की वे पिस्टल की बट से उसके सर पर वार करता हुआ चीख उठा, तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हें अपनी मासूम बहन की जिंदगी के साथ खेलने दूंगा? तुम अब मेरे परिवार के आसपास भी नजर नहीं आओगी क्योंकि मैं आज तुम्हारा काम ही तमाम कर दूंगा, फिर चाहे मुझे फांसी क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। कहते हुए वे आक्रोश से पिस्टल का लॉक ओपन करके ट्रिगर पर अपनी उंगली जमा लेता है। अरुण विवेक पर पिस्टल ताने था और वे अपना बचाव करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता उसके पास दूर सरक रहा था। अरुण देखो तुम मुझे गलत समझ रहे हो, पहले मेरी बात को सुनो। विवेक को अपनी धीरे धीरे सरकते देख अरुण अब दोनों हाथ से पिस्टल पकड़े उस पर उसकी बट से एक और तगड़ा वार करता है जिससे बेकल होता विवेक तुरंत जमीन पर गिर पड़ता है। अब उसके माथे से एक खून बहने लगा था। फिर भी वे अरुण को रोकने वे कही जा रहा था, मुझे अपनी सफाई पेश करने का मौका तो दो। मैं मेनका विवेक अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया कि अरुण विवेक मेनका का नाम सुनते ही गुस्से से तिलमिलाते हुए उस पर लगातार वार करने लगता है। उसके आगे से नुकीले बूट विवेक पर कहर बरपा रहे थे। आसपास खड़े जो लोग भी थे वे सभी भयभीत इस दृश्य को मूक देखे जा रहे थे। किसी की उनके बीच आने की हिम्मत नहीं हुई। अरुण पर तो जैसे खून सवार था। विवेक लगभग अधमरा सा हो गया। ताबड़तोड़ वार कर चुकने के बाद अरुण उस पर पुनः अपने पिस्टल तान लेता है। इस वक्त अत्यधिक गुस्से से उसके शरीर की मांसपेशियां तनी हुई थी, माथे पर बल नजर आ रहे थे,
कि तभी अकस्मात ही उसके बीच में दौड़ती हुई मेनका आ जाती है। मेनका आते ही विवेक की हालत देखती बुरी तरह से बिफर पड़ती है। ये क्या कर रहा था आपने? मेनका को देख अरुण कसकशी का, हट जाओ मेरे सामने से मेनका, आज मैं इसे इसके किए की सजा दूंगा। तो ठीक है, विवेक पर गोली चलाने से पहले हम मुझ पर गोली चलाएं, कसूरवार तो मैं भी उतनी ही हूं ना। अरुण की आगे तनी हुई मेनका चीखी। अरुण अभी भी पिस्टल ताने था उसकी उंगली ट्रिगर पर तनी हुई थी कि तभी एक गोली चलती है जो सीधे मेनका की मां को भेदती हुई जाती है। गोली लगते मेनका का शरीर एक झटके से एक और गिरने लगता है। मेनका को इस तरह गिरते देख अरुण तेजी से उसे संभालने उसकी ओर दौड़ जाता है। अब मेनका की बेजान देह अरुण की बाह में झूल जाती है। मेनका, मेनका ये क्या हो गया, जाने कैसे गोली छूट गई मेनका। अरुण बुरी तरह से घबराया मेनका को होश में लाने की कोशिश करने लगता है, पर वह बेसुध सी हो चुकी थी। उसकी बाह से तेजी से खून की धार बह निकली थी। अरुण तेजी से घाव पर रुमाल बांध कर उसे उठाए कार की ओर दौड़ जाता है। राजवीर ने अरुण की कार के पीछे कार पार्क की थी, इससे वे ये सब होता हुआ नहीं देख पाया, पर अरुण को इस तरह मेनका को घायल अवस्था में लाते देख तुरंत उसकी ओर दौड़ जाता है। लेकिन अरुण फुर्ती से मेनका को सीट पर लेटाकर कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा कार को पीछे घुमा लेता है। विवेक पूरी तरह से घायल अभी भी सड़क पर पड़ा था। वह इतना घायल था कि मेनका के प्रति वह कोई प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया। अरुण के वहां से निकलते राजवीर भी उसके पीछे पीछे निकल जाता है, जिससे अब धीरे धीरे वहाँ भीड़ इकट्ठे होने लगती है, पर उसकी मदद के लिए भी कोई आगे नहीं आता। बस तमाशीन बनकर लोग ये सारा कुछ देख रहे थे। तभी वह लड़का विवेक के पास दौड़ता हुआ आता है और विवेक को उठाने की कोशिश करने लगता है, पर जवान शरीर इस दुबले लड़के से जरा भी नहीं हिलता। तो वह परेशान होता आसपास देखने लगता है। कुछ चिर पश्चात वहाँ एक सिपाही आता है और अकड़ते हुए डंडा जमीन पर ठोकते हुए बोलता है, यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा कर रखी है, हटो हटो सब यहाँ से। भीड़ की हटते सिपाही की नजर सड़क पर घायल पड़े विवेक पर गड़ जाती है। वह उसे देखने कुछ आगे उसके पास आता ही है कि तभी दौड़ता हुआ सेल्विन उनके बीच आ जाता है और घायल विवेक की ओर झुकता उसे झंझोड़ता हुआ पूछता है, ये क्या हो गया विवेक तुम्हें, ए ये कौन है और ये इसकी हालत कैसे हुई। सेल्विन चौंक कर पीछे पलट कर सिपाही को देखता है। सिपाही फिर पूछता है, क्या हुआ इसे, इसे थाने ले चलो, रिपोर्ट लिखानी होगी, लगता है इसने मारपीट की है। ये सुनते सेल्विन जल्दी से कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, आपको गलतफहमी हो रही है। हमको आंखें देखी मक्की निकलने को बोला बच्चू, क्या मैं ये नहीं देख रहा कि इस तो इतनी सारी चोट कहीं से लगी। वो तो ये बता सकता है, पर मैं इतना यकीन से कह सकता हूँ कि यह मारपीट नहीं हुई। सेल्विन विवेक को सर अपनी गोद में रखकर झंझोड़ता है। सिपाही अवाक उसे ऐसा करते देख रहा था। विवेक, विवेक होश में आओ, विवेक धीरे से कहते हुए आँख खोलते एक बस संशय से सेल्विन की ओर देखता है, फिर उसके पीछे खड़े सिपाही को जो अभी भी लगातार उसे घूर रहा था। विवेक बता दो कि इन्हें कि तुम्हारे साथ कोई मारपीट नहीं हुई, बोलो विवेक, कम से कम नाम में सर हिला दो। सेल्विन की ऐसा कहते विवेक धीरे से सर हिलाता है। इस पर सिपाही तुनकते हुए कहता है, हमको क्या, नई लिखानी रिपोर्ट तो मत लिखाओ, पर तमाशा मत लगाओ, चलो हटो हटो सब यहाँ से। कहता हुआ सिपाही एक और चला जाता है। तो सेल्विन जल्दी से विवेक को अपना सहारा दिए एक टैक्सी को रोकता है। वो लड़का भी विवेक को दूसरी ओर से पकड़े हुए टैक्सी में बैठने में मदद करता है। अरुण मेनका को उसी हालत में लिए हॉस्पिटल की ओर भागता है। हॉस्पिटल आते ही वह स्ट्रेचर पर इंतजार किए बिना ही मेनका को लिए हुए हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश कर जाता है। इस वक्त उसके साथ साथ मेनका की खराब हालत देखते वहाँ के आसपास के लोगों की नजरें भी उसी पर टिक जाती है। मेनका की बाह अभी भी खून से सनी हुई थी। उसकी बुरी हालत में बिफड़ता हुआ अरुण लॉबी में खड़े खड़े तेजी से चीखते हुए डॉक्टर को बुलाता है। अरुण जिस बुरी हालत में मेनका को हॉस्पिटल लाया था उसे सबकी नजरें उसी ओर उठ गई थी। वहां से जिस स्पीड से वह हॉस्पिटल पहुंचा था ये उसकी हालत देखकर अच्छे से अंदाजा लगाया जा सकता था। ये दीवानस का अपना हॉस्पिटल था, इससे अरुण को वहां पहुंचने से पहले उसने मोबाइल से ही उन्हें सर्जिकल वार्ड तैयार करने को बोल दिया था। वह जैसे ही हॉस्पिटल की लॉबी में पहुंचा एक रिपोर्टर की निगाह उसकी हालत पर चली गई। वैसे भी हाई प्रोफाइल लोगों के आसपास ऐसे रिपोर्टर लेटेस्ट खबरों के लिए बने ही रहते थे। वह जैसे ही उसकी तस्वीर उतारने वाला था अरुण की आक्रोश भरी नजर उस पर पड़ गई और वह सर झुकाए अपना कैमरा समेट लेता है, क्योंकि ये रिपोर्टर उन्हीं रिपोर्टर्स में ही था जो मंदिर के बाहर उसे मिला था। उस वक्त उसका समस्त शरीर जैसे अंगारा उगल रहा था।
वे मेनका को सर्जिकल वार्ड छोड़कर वेटिंग रूम में सर पकड़े बैठा हुआ था। कुछ समय बाद भूमि बदहास सी वहाँ भागी भागी आती है। उस वक्त भी मेनका सर्जिकल वार्ड में थी, इससे वे अरुण को खोजती हुई वेटिंग रूम में आ गई। उस वक्त भी वे अपना सर दोनों हाथों के बीच भींचे सर झुकाए बैठा हुआ था, मानो उस लम्हे का मातम मना रहा हो। ये क्या किया तुमने अरुण? भूमि आते ही उसे बुरी तरह से झंझोड़ती हुई चीखी। तुमने इतना बड़ा कदम उठाने का सोच लिया और मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? वो तो मुझे भी राजवीर ने आकर बताया, बोलो बोलते क्यों नहीं? अरुण उसी वक्त सर झुकाए झुकाए सदमे से कहता है, जिसे सच में ऐसी हालत में पहुंचाना था वो तो बच गया। अगर मेनका बीच में नहीं आती तो क्या तुम विवेक को मार देते? हाँ मार देता उसे, अरुण एकदम से चीखता हुआ भूमि के सामने खड़ा हो जाता है। मार देता उसे, उसी की वजह से मेनका बार बार ऐसे हालात तक पहुंच रही है। अगर मेनका को कुछ हो गया तो पता नहीं मैं खुद के साथ क्या कर डालूंगा। अरुण की क्रोध में जलती आंखों को देखती कुछ पलकों में भूमि भी सहम जाती है। वे कहता रहा, सब कुछ का जिम्मेदार वही है, उसकी वजह से ही बड़ी भी गया। और किरण, उसने क्या बिगाड़ा था? आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है? कहते कहते वह खुद पर ही चीख पड़ा, उसकी भी वजह है, भूमि धीरे से कहती चुप हो जाती है, पर अरुण की प्रश्नात्मक नजरें अब उसी पर टिक जाती है। भूमि कहती रही, वो बदला ले रहा है अपनी बहन तारा का। बदला? किससे? अरुण प्रश्न पूछता भूमि को देखता रहा। और भूमि अब कुछ पल खामोश हुई उसके सामने इस तरह खड़ी थी मानो अपने अंदर इस बात को कहने की सारी ताकत बटोर रही हो। भाभी प्लीज फॉर गॉड से, मुझे जानना है कि आखिर वे किससे और किस बात का बदला ले रहा है, और ये तारा कौन है? तारा तुम्हारे भाई आकाश की प्रेमिका थी, एक एक शब्द बड़ी मुश्किल से भूमि कहती है। और अरुण अवाक उसे देखता उसके सामने खड़ा रह जाता है। भूमि कहती रही, आकाश का तारा से जो संबंध था उसे मैं उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी नहीं कह सकती, क्योंकि आकाश का तारा के साथ अपनी शादी से पहले से ही संबंध था, बस मुझसे शादी करके उसने उसे वैध नहीं होने दिया। मुझे तो ये सब बहुत बाद में मालूम पड़ा, और तब तक तारा के साथ अनहोनी हो चुकी थी। आकाश ने उसे अपनी ज़िंदगी से बड़ी बुरी तरह से निकाल फेंका कि आज वे अपना मानसिक संतुलन तक खो चुकी है। भूमि नज़रें नीचे किए अपनी बात कहती रही, और सामने खड़ा अरुण उसे अजीब नज़र से देखता रहा, जैसे उस वक्त उसका सारा यकीन खोने लगा हो। विवेक तारा का भाई है, आकाश की वजह से बिना किसी कसूर के 3 साल जेल में रहा, और अब बाहर आने के बाद से ये सब कर रहा है। तो क्या मेनका का उसने इसीलिए इस्तेमाल किया? अब इसे इत्तेफाक समझो या नियति, ये दोनों अनजाने में ही बहुत पहले से पंचकनी से एक दूसरे को जानते थे। ये बात मुझे मेनका खुद बता चुकी थी, लेकिन होनी ने उसकी बहन के साथ आकाश का संबंध इस तरह कर दिया कि आज विवेक किसी भी तरह से बस बदला लेने पर उतारू है। और ये बात आप मुझे अब बता रही हैं? एकदम सरुण की आंखों में जैसे ढेरों खून उतर आया हो, और इतना कसकर चीख उठा कि उस पल तो भूमि भी कांप गई, आपने अब तक क्यों छुपाई मुझसे ये बात? अरुण गुस्से में गहरी गहरी सांस लेता भूमि को घूर रहा था, जो होंठ दाबे ये अपनी सोच में डूबी थी कि जितना आज वह ना कहकर शर्मिंदा हुई उतने ही वे कहकर भी शर्मिंदा हुई। कुछ पल तक उस रूम में सन्नाटा छाया रहा, फिर उसका मौन तोड़ती हुई भूमि कहती है, कुछ हालात ऐसे रहे कि मैं तुमसे ये सब नहीं कह पाई, पर यह नहीं पता था कि इसका ऐसा बुरा परिणाम होगा, विवेक किस हद तक करता जाएगा। और ये स्टेला कौन है? स्टेला? मुझे नहीं पता, पर अगर उसका नाम आकाश से जुड़ा है तो उस रिश्ते को तुम अब खुद ही समझ लो कि वो क्या होगा। ये आकाश की वो दुनिया है जिसे वे सबसे छिपा कर जीता है, पर सच कब तक अंधेरों में भटकेगा, एक ना एक दिन उसे सबके सामने आना ही पड़ेगा। लेकिन आपने इस सच को क्यों छिपा कर रखा? इस पर भूमि 2 पल की खामोशी के बाद धीरे से कहती है, शायद इस सच के बाहर आने का अपना सही वक्त था जो अब आ ही गया। भूमि देखती है कि वरुण वहां से जाने लगता है, तो उसे टोकती हुई पूछती है, अब कहाँ जा रहे हो अरुण? सच का पता करने, क्योंकि सिर्फ सही वक्त के इंतजार में बैठा नहीं रह सकता, पता नहीं और कितने सच मुझसे छिपाए गए हैं, अब जब तक उन सारे सच का पता नहीं लगा लेता मैं चैन से नहीं बैठ सकता। अरुण बिना रुके तेजी से बाहर निकल गया, अब भूमि चाह कर भी उसे रोक नहीं पाई। अरुण बेहद उद्विग्न से हॉस्पिटल से निकला कि उसके विपरीत से आ रहे आकाश ने उसे पुकारा तो भी उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं। आकाश तरह से जाते हुए अरुण को चकित 2 पल तक देखता रहा, फिर हॉस्पिटल की अंदर चल दिया। राजवीर वापस किरण के यहाँ आ गया, और जो कुछ हुआ वो सब उसने उसे कह सुनाया,
जिसे सुनते किरण की जान जैसे हलक में ही अटकी रह गई। पास खड़ी सारंगी होंठ दाबे सुनती अपने मन में इसका अफसोस करती रह गई। किरण का तो मन तड़प उठा कि झट से वहां पहुंच जाए। इसे सारंगी कहने लगी, आप चली जाओ दीदी, इस वक्त सच में आपको वहां जाना चाहिए। वह भी सहमति में हाँ में सर हिलाती राजवीर से कहने ही वाली थी कि उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई पड़ी। असल में राजवीर ने जो कुछ किरण से कहा उसे कमरे के बाहर खड़े मनोहर दास ने भी सुन लिया था। इसे भी किरण को आवाज़ लगाते हुए कहते हैं, किरण बेटी मेरा जी बहुत घबराया सा है, तो तुम जरा कुछ देर मेरे पास आकर बैठ जाओगी, मैं आँख मूंदे लेटना चाहता हूँ। किरण को सिर्फ उनकी आवाज़ मिली पर वे उसके पास कमरे में नहीं आए बल्कि अपनी बात कहकर चले गए। अब किरण के लिए दुविधा हो गई कि एक तरफ बाबूजी उसे बुला रहे हैं तो दूसरी तरफ उसका हॉस्पिटल जाना जरूरी था। उसका मन धर्म संकट में जैसे फंसता हुआ लज गया। उसे इस तरह परेशान देख सारंगी कहने लगी, आप हॉस्पिटल चली जाओ, मैं बाबूजी के पास बैठ जाती हूँ। नहीं सारंगी, तुम शायद नहीं समझी, मैं बाबूजी के पास जा रही हूँ। किरण के उदास स्वर को सारंगी सच में नहीं समझ पाई पर किरण अपने बाबूजी का मौन इनकार अच्छे से समझ गई कि क्यों इस वक्त उन्होंने ऐसा कहा। पर हर बार अब अच्छी बेटी की तरह वह इस बार भी मौन उनका कहा मान लेती है। राजवीर जो किरण के अगले हुक्म के इंतजार में था उसे इस तरह न जाते देख कहता है, आप चिंता मत करिए, मैं आपको वहाँ की सारी खबर देता रहूँगा। कहता हुआ वह बाहर चला जाता है। उसके जाते किरण भी चुपचाप बाबूजी के पास चल देती है। जहाँ दीवान परिवार अपनी निजी जिंदगी में बुरी तरह से उलझे थे वहीं उनका व्यवसायिक जीवन में भी कम उथल पुथल नहीं मची थी। रंजीत का विश्वस्त एक आदमी दीवान की मिल के लीडर मिराज अली से मिल रहा था। इतना काफी है ना, वह लोटों की गड्डी के लालची लोमड़ी की तरह घूमता रहा। काम पूरा होना चाहिए, समझे? बिल्कुल समझ गया हुजूर, अच्छे से। अब आप हमारा कमाल देखिएगा। हाँ वो तो समय पर देख ही लेंगे, पर इतना याद रखना हमारे साथ डबल गेम का सोचना भी नहीं, क्योंकि इतने सालों से तुम फैक्ट्री में हो, कहीं नमक अदा करने ये नोटों की गर्मी मत भूल जाना। अरे कैसी बात करते हैं, नमक तो रोटी संग खाते हैं और मैं तो बोटी खाने वाला हूँ और मुझ पर कोई नमक असर करता ही नहीं। कहता हुआ मिराज अली भद्दी हंसी से हंसता हुआ उन नोटों को अपनी गिरफ्त में लेने लगता है। उसे इस तरह नोटों को समेटते देख अब वापस चला जाता है। अरुण जिस गुस्से से निकला था उसे आकाश हैरान उसे जाता हुआ देखता रहा पर उसे रोक न सका। वे सीधे अपने ऑफिस पहुंचता अपने केबल में आता है। उसके पहुंचते ही माधव उसके सामने खड़ा होता उसे सारी रिपोर्ट दे रहा था कि जिसे ब्रज जो विवान साहब का पीए था उसने उसे अरुण यानी नए सीईओ का पीए नियुक्त किया था। अरुण को सिडनी से वापस आने माधव ही गया था और तभी से वे अरुण के अंडर में काम करने का इच्छुक था। वे अरुण के सामने खड़ा जरूरी फाइल दिखाता बिजनेस के जरूरी कंसर्न पर डिटेल दे रहा था, लेकिन अरुण का ध्यान तो कहीं और ही था। वह उसकी बात अधूरी सुनता हुआ उससे वो रिकॉर्डिंग मानता है जो आकाश के मोबाइल की थी। सर्विलांस डिपार्टमेंट से मिली रिकॉर्डिंग उसे उपलब्ध कराकर माधव उसके सामने खड़ा था पर उसे केबिन से बाहर करके वे एक एक रिकॉर्डिंग अकेले सुनने लगता है। धीरे धीरे करते आकाश का उस सारा बचा हुआ सच उसके सामने आने लगा जो उसकी छिपी जिंदगी की परत दर परत खोले दे रहा था। जगह से बात करती रिकॉर्डिंग हो या स्टेला से बात करती हुई रिकॉर्डिंग, इससे उसे मालूम पड़ गया कि आकाश स्टेला को काफ़ी रकम देता रहा है और इस बार भी वह उसे काफ़ी पैसे दे रहा है, पर ऐसा क्या है उसके पास जिससे वह उसके आगे इतना मजबूर बना हुआ है। अब ये जानना भी उसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया था जिसके लिए उसे स्टेला के पास जाना पड़ेगा। स्टेला का प्रोग्राम बदल चुका था, अब वह आकाश से भारी रकम लेकर उसको आखिरी बार होटल ब्लू मून रूम नंबर 1017 में बुलाती है। अब से अरुण भी सुनता हुआ तय कर चुका था कि वह बाकी का राज वह खुद उससे मिलकर पता कर लेगा। अरुण के लिए जानना बेहद अविश्वसनीय था, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके ही आसपास रहते उसके भाई का ऐसा भी कोई रूप होगा। वह आकाश के गुस्से और उसकी धूर्तता से वाकिफ था पर उसमें रिश्तों के प्रति विश्वासघात मिला होगा ये बात उसे अंतरस बेचैन कर गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी भाभी ने ये सब कैसे सहन किया होगा। बेचैनी में अपना सर थामे वह कुछ पल को आंखें बंद कर लेता है पर आंखों के भीतर भी जैसे कोई दबा शोला दहक रहा था। उसके आगे विवेक की जान लेने के लिए गिड़गिड़ाती मेनका का रुधा चेहरा और अगले पल उसकी खून से लथपथ देह स्मरण होते उसका मन और तड़प उठा जिससे वे तुरंत उठता हुआ बाहर निकल गया। माधव कुछ कहने उसके पीछे आता है
पर अब सब सुन सुना करता वह तेजी से पोस्ट तक आ जाता है। इस वक्त उसकी मानसिक हालत बेहद खराब थी, जिसे वे कार से लगते चुपचाप पिछली सीट पर बैठ गया। उसके बैठते ड्राइवर स्टीयरिंग संभाल लेता है। हॉस्पिटल जाने को बोलता वे एक और को गर्दन करता अपनी नज़र लापरवाही से बाहर फेंक देता है। चलते रास्ते के परिदृश्य उसकी आंखों से गुजरते रहे। कई सिग्नल आए तो कई जगह रेड लाइट पर कार खड़ी रही, पर उनका मन कहीं नहीं रुका। जाने कितनी दुर्भावनाएं उसके मन में कुछ साले लगी। तभी किसी सिग्नल पर खड़ी कार के कांच के पार उसे दो बच्चे दिखे। वे भाई बहन रास्ते के किनारे फुटपाथ पर बैठे थे। भाई के एक हाथ में चाय का कप तो दूसरे हाथ में बंद था, जिसे वे चाय में डुबो डुबो कर अपनी बहन को खिला रहा था। उसके ठीक बगल में उसकी छोटी बहन अपने हाथ में पकड़ी कपड़े की गुड़िया में इतनी व्यस्त थी कि कभी बन उसके हाथों से लगकर कप में गिर पड़ता तो कभी चाय होठों के किनारों से निकल जाती। तब उसका भाई हौले से उसके सर पर टीप मारता, जिससे वे अपने भाई की ओर देखने लगती। तब दोनों की आंखें हंसी से गुलजार हो उठती। तब वे देर तक अपनी छोटी सी दुनिया में खिलखिलाते रहते। ये देखते अरुण का मन में इनका को याद करते एक बार फिर ग्लानि से भर उठा। कार अभी भी रुकी थी और तभी अरुण तुरंत कार से उतर गया। ड्राइवर औचक पीछे देखता समझ ही नहीं पाया। अरुण ट्रैफिक को लांघते उन भाई बहन के पास खड़ा दो पल उन्हें प्यार से निहारने लगा। अब उन दोनों की निगाह भी अरुण पर पड़ी तो हैरानी से वे उसे देखने लगे। साफ सुथरे कपड़ों के भीतर कोई उससे भी साफ मन था जो उन्हें पूरे स्नेह से देख रहा था। उन बच्चों के पीछे ही चाय और मन का ठेला था। अरुण जल्दी से उस ठेले वाले को कई नोट एक साथ पकड़ा कर ऐसे बच्चों को चाय बन देने को कहता तुरंत ही वापस लौट गया। अब सिग्नल खुलने वाला था। अरुण का आना और उससे कहीं ज़्यादा उसका ये कहना उस ठेले वाले और उन बच्चों को हैरान कर गया। वे हतप्रभता से उस ओर देखने लगे जहाँ रोजाना ढेरों छोटी बड़ी गाड़ियों का हुजूम खड़ा होता, पर कितने लोग ऐसे होते होंगे जो उन पर करुणा भरी नज़र रखते होंगे। हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर की एक बेंच लगातार मेनका का निरीक्षण करने में लगी हुई थी। जितनी परेशानी उस समय उन डॉक्टरों के चेहरे पर थी, उससे कहीं ज़्यादा बेचैनी इस समय उनके सामने मौजूद दीवान साहब और आकाश के चेहरे पर नजर आ रही थी। मेनका की हालत देखते दीवान साहब जहाँ चुप हो गए थे, वहीं आकाश का मन ढेरों आकांक्षाओं से भर उठा था। मेनका का शांत पड़ा शरीर धीरे धीरे रिएक्ट करना बंद कर रहा था। और अगर ऐसा हुआ तो ये सोचते हैं उसके पूरे जिस्म में ढेरों बिजलियां कौंध गई, दर्द की ढेरों अनुभूतियां उसकी आंखें नम कर गईं। डॉक्टर पर अभी अभी आकाश पूरी तरह से बिगड़ा था। तब भूमि उसे शांत रहने को कहती वेटिंग रूम में ले आई थी, जहां वे जाने कब से लगातार टहलता चक्कर ही काट रहा था। उस पल दीवान परिवार के लिए एक एक पल सुनामी सा गुजर रहा था। अरुण तेज कदमों से चलता आता वार्ड के बाहर खड़ा था। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे कांच के शीशे के पार मेनका का मशीनों से बिधा शरीर देख पाता। वे सीने पे हाथ बांधे नजरें नीचे किए खड़ा रहा। तभी भूमि वहां आती है। वह उसके पास आते जब उसका कंधा छूती है तब वे ऐसे चौंकता है मानो किसी तंद्रा से निकला हो। अरुण धीरे से पूछते डॉक्टर ने क्या कहा। बड़ी मुश्किल से वे सारे शब्द समेटती हुई कहती है अगले 5-6 घंटे में अगर होश नहीं आया तो शायद कोमा में। वे शब्द अधूरा छोड़ती पल के कस के भीज देती है। उस पल कहना मुश्किल था कि वक्त ज्यादा भारी है या मन। मेनका सबके लिए कमजोर नस थी जिसके दुखते ही उसकी आह निकल जाती, पर आज तो बुरी तरह से चोटिल थी। उसे इस तरह देख पाने का हौसला किसी में भी नहीं था। उनके मन की बेबसी थी कि उनके महंगे से महंगे इलाज और बड़े से बड़े डॉक्टर भी भगवान के कर्म के मोहताज नजर आ रहे थे। वे नहीं जानते थे कि आज किसकी दुआ या स्पर्श उसे मौत से बाहर खींच के ला सकती है। तभी अचानक हुए किसी शोर पर उन दोनों का ध्यान एक साथ जाता है। सामने गलियारे से कोई तेजी से चला रहा था, जिसे रोकने में सिक्योरिटी गार्ड भरसक कोशिश कर रहे थे। अरुण भी हाथ खोले उस ओर घूर कर देखने लगता है। सामने से विवेक आ रहा था। वे भी बुरी तरह से चोटिल था, फिर भी किसी तरह से लंगड़ाते वे उन गार्ड को पीछे ढकेलता हुआ उस ओर बढ़ा रहा था। उसे देखते अरुण की मुट्ठियां फिर कस गई। वे तने वे हाव भाव से बस उसकी ओर बढ़ने वाला था कि भूमि उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। विवेक अब ठीक उनके सामने खड़ा अपनी रक्तिम नेत्रों से उन्हें घूरता है। गार्ड फिर से उसकी ओर बढ़ने लगे, पर इस बार भूमि दूसरे हाथ से उन्हें पीछे रहने का संकेत कर देती है। गार्ड अब वापस पीछे हो लेते हैं।
पर विवेक अभी तक खड़ा अरुण को कसकर घूर रहा था। वे मानो आंखों से चुनौती दे रहा हो कि अब नहीं रोक सकोगे मुझे। विवेक वार्ड के अंदर चला गया। उसे इस तरह आते और अरुण भूमि को खामोश खड़े देख डॉक्टर भी चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। बेड पर मशीनों से विधि मेनका की देह चेतन शून्य पड़ी थी। विवेक लंगड़ाते हुए उसके पास आता है। वह उसके सिरहाने बैठते गौर से उसका चेहरा देखने लगता है, जहां कितनी बार उसने हंसी की बारिश देखी, नफरत, प्यार, दर्द में भिजा चेहरा देखा, वो कभी इस तरह मौन तो वे कभी नहीं रही। वे उसकी हथेली कसकर थामता उसे अपने सीने में भेजता हुआ आंखों को मीच लेता है, जैसे आत्मा का आत्मा से कोई जतन हो रहा हो। मन ही मन कितनी शिकायतें कर रहा था उससे कि क्यों वे उसे बचा लेना चाहती थी, बार बार उसके फोन नहीं उठाने पर छोड़ देती ना। आखिर क्यों वे उसकी मौत के बीच में आ गई? आखिर ये तो उसके हिस्से की मौत थी। आखिर ये जंग कहीं तो विराम पाती, जीत ना सही हार ही हो जाती, पर वह उसे इस तरह जाते हुए तो नहीं देख सकता। वे अभी भी मूक थी, पर हार्ट रेट मॉनिटर मशीन हल्के शोर के साथ उसका हल्का उठा कर शो कर रही थी। उसे देखते ही विवेक की हथेली और कस गई। वे अपनी डबडबाई आंखों से मेनका के चेहरे को नजर भर देखता हुआ कह उठा, तुम इस तरह से नहीं जा सकती, तुम मेरा अंत काम अधूरा छोड़ कर नहीं जा सकती। अभी मुझे तुम्हारी आंखों में अपने लिए बहुत नफरत देखनी है, कैसे सब अधूरा छोड़ कर चली जाओगी? कितना हौसला किया है मैंने तुम्हारी आंखों में खुद के लिए नफरत भरने के लिए, तो क्यों नहीं करती तुम मुझसे उतनी नफरत? क्यों? दबे प्रेम की कुछ दर्द भरी बूंदें अमेनका के चेहरे पर गिरने लगी। विवेक कभी भी कसकर उसकी हथेली थामे दिल का दर्द बयां कर रहा था, नहीं चाहिए तुम्हारा इतना प्यार मुझे, मत करो मुझसे इतना प्यार, अब डर लगने लगा है तुम्हारे प्यार से, ये कहीं ये मेरे सीने की नफरत पर भारी न पड़ जाए। तुम्हारा प्यार मेरे अंदर की नफरत को खत्म कर रहा है, नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार, बस मेरी नफरत के लिए लौट आओ, तुम्हारी नफरत के साथ जी लूंगा पर तुम्हारे बिना नहीं, लौट आओ मेनका, लौट आओ। वो दर्द की आखिरी हिलकी जो जिस्म ने भरी और मन टूट कर बस देखता रह गया। अचानक मॉनिटर की लाइन सपाट हो चली, ये देखते विवेक कस कर चीख पड़ा। सुबली की हवा भी अब कुछ कुछ नमी उतर आई थी, जिसका आभास सहसा ही कोई किरण की पलकों में देख सकता था, जो पलके झपकाते खारी समंदर की बूंद गालों पर लुढ़का देती। मेनका की खबर भले मीडिया कर्मियों से बच गई, वो मंदिर के बाहर अरुण का खुला प्रेम पत्र अब सारा शहर पढ़ रहा था। अखबार के मुख्य पृष्ठ में उनकी जो तस्वीर छपी थी वो अपने आप में सब कुछ कहने के काबिल थी। अरुण किरण की कसक कलाई थामे अपने दिल की बात कह रहा था, जिसे अखबार ने अरुण की मिली उसकी किरण की हेडलाइन के रूप में छाप डाला था। किरण की पड़ोस की काकी सावित्री बेन ने जैसे ही खबर पढ़ी वे अखबार लिए उनकी यहाँ दौड़ी चली आई। पर अगले ही पल मनोहर दास ने ठंडे लहजे से उनका जोश धरा का धरा ही रह गया। तो मैं शुरुआत करूँ मुझो मनोहर भाई, अब तो किरण का लगन हो चुका है, अब विदाई तो होनी है, फिर किस बात की देर है? सावित्री बेन, असल में निर्णय तो पहले ही ले लिया था, नहीं तो मेरी बेटी को इतना कुछ न सहना पड़ता। विवाह तो उसके सुखमय जीवन के लिए किया था, पर उस शख्स संग वे क्या सुखी होगी जो खुद ढेर परेशानी में घिरा हुआ है। तो यही तो साथ देने का समय है मनोहर भाई, आखिर विवाह में जब दो लोग आपस में बनते हैं तो हर घड़ी दूसरे का साथ देते हैं ना, ना कि परेशानी के समय छोड़ कर चल देंगे। इस पर मनोहर दास कुछ न कहते, बस मुँह फेर लेते हैं। तब वे आगे कहती हैं, सौभाग्य से तुम्हें बड़ा चोखा दामाद मिला है जिसने बेटे से बढ़कर अपना फर्ज निभाया, क्या इस बात से भी मुंह फोड़ लोगे? पूरी रीति रिवाज संग किरण फेरे लिए, पूरा अधिकार है सृष्टि पर, फिर भी वह तुम्हारी हाँ का इंतजार कर रहा है, क्या उसका ये सम्मान देना भी तुम्हें ना दिख रहा समनोर भाई? अब जो हुआ उसे भूल जाना ही उचित है, और फिर जिस रिश्ते को माता रानी हाँ बोल चुकी उसमें तुम्हें क्यों इनकार करे हो? मान जाओ और खुशी खुशी विदा करो बेटी को, ब्याहता बेटी अपने घर चली जाए, इसे बड़ी और क्या बात होगी? कहते हुए मनोहर दास उनके सामने से उठकर खड़े हो जाते हैं। वे देखती मंजावत्री बेन हैरानी से उन्हें देखती रही, फिर उनकी नज़र उनके लिए पानी लाती किरण पर गई। उसका चेहरा जैसे उसके मन की खुली किताब था, पर जिसे शायद उसके पिता ही पढ़ना भूल गए थे। वह पानी का गिलास काकी ओर बढ़ा रही थी, जो गौर से उसका चेहरा देखे जा रही थी। गिलास लेके उसका एक घूंट पीती हुई वे देखती है कि मनोहर दास हाथ जोड़कर उनके सामने से कहते हुए जा रहे थे,
मेरी बेटी मुझ पर बोझा नहीं है। मैं अपनी बेटी को कष्ट में देखने से अच्छा उसे अपने साथ उम्र भर रख सकता हूँ और मेरे फैसले पर मेरी बेटी को भी इनकार नहीं। ये देखती है सावित्री बेन भी उठती हुई कहती है, काश जो तुम्हें कहे छो मनोहर भाई वो भाव में किरण के चेहरे पर भी देख पाती। चलती हूँ। काकी फिर नज़र उठाकर किरण का चेहरा नहीं देख पाई लेकिन हाथ का पकड़ा अखबार टेबल पर छोड़कर चुपचाप चली गई। सारे शहर में अरुण और किरण से मिलने की खबर आंख की तरह फैल चुकी थी। जिन्हें इस रिश्ते का नहीं पता था अब उन कानों तक भी उसकी खबर पहुंच चुकी थी। ये खबर वर्तिका तक भी जा पहुंची पर उससे पहले रंजीत उस तस्वीर को देखते उस अखबार को चिंदी चिंदी करता सलवन पर गरज पड़ा। वो उसी घर में थी और तुम सबको खबर भी नहीं हुई। लगता है मेरे आदमी अपने दिमाग के साथ साथ अब अपनी आंखें भी खो चुके हैं। एक काम ठीक से नहीं होता। लेकिन अभी वो लड़की सोली में है। अब आगे आप बताएं क्या करना है। वही होगा रंजीत साहब, सेल्विन हाथ बांधे हुए कहता है। उस वक्त रंजीत की आंखों में जैसे कोई जलजला सा दिखाई पड़ने लगा। वह जमीन में पड़े उन टुकड़ों को उस जूते से मसलते हुए बोलता है, मैं उन दोनों को एक साथ नहीं देख सकता। अभी रंजीत अपनी बात कह ही रहा था कि उसने सोचा भी नहीं था कि वर्तिका वहाँ आ जाएगी और हैरान अपने भाई को देखती रही। उसके हाथों के बीच उसी अखबार का दूसरा पन्ना लहरा रहा था। वे हैरत से कभी अपने भाई के तने में चेहरे को देखती तो कभी उन अखबार के टुकड़े को जो अभी जमीन में हवा संग इधर उधर घूम रहे थे। किन्हें साथ नहीं देख सकते आप, वे पूछती हुई अब ठीक अपने भाई के सामने ठहरी उसे गौर से देखने लगी जबकि वे खामोश हुआ अन्यत्र देखने लगा। उसके भाई को खामोश देखते अब वह झुक कर उन टुकड़ों को देखने लगी। उसे इस तरह उन टुकड़ों को देखते देख रंजीत सख्ती से कहता है, वर्तिका अभी तुम चले जाओ यहाँ से। क्यों? क्योंकि मैं कुछ ज़रूरी बात कर रहा हूँ इसलिए, जाओ यहाँ से। रंजीत अपनी बात थोड़ा गरजते हुए कहता है लेकिन वर्तिका उतने ही शांत भाव से कहने लगी, अरुण और किरण को अलग करने की ज़रूरी बात। वर्तिका के कहते रंजीत एकदम से सन्न रह जाता है और हैरान उसका चेहरा देखता रह गया जो आगे कह रही थी, मैं तो आपको खुद ये खबर सुनाने आई थी पर आप तो उस खबर को मिटाने जा रहे हैं, क्यों? वर्तिका अपने भाई का चेहरा देखती रही जहाँ नफरत के साथ अब बगले की आंख दहक रही थी। रंजीत आक्रोश में कह उठा, क्योंकि यही सही है। क्यों सही है? क्योंकि अरुण ने मुझसे शादी नहीं की, बस यही कसूर है ना उसका। वर्तिका प्रश्नात्मक भाव से रंजीत का चेहरा देखती रही जहाँ सच में उसे इसका जवाब हाँ में ही लगा। तब से खड़ा सेल्विन अब उस जगह के बाहर चला जाता है। अब कमरे में रंजीत के अलावा वर्तिका मौजूद थी। वर्तिका रुंधे हुए स्वर में कहने लगी, देखा जाए तो इस बात का असल कसूरवार तो आप है भैया। रंजीत औचक देखता है, हाँ भैया, जिसने मुझे सामान और इंसान का भेद नहीं सिखाया। बस जब मेरा जिस चीज़ पे दिल आ गया वो हर एक चीज़ आपने मुझे लाकर दे दी। विला पसंद आया तो विला खरीद लिया, ड्रेस पसंद आया तो बुटीक खरीद लिया, पर सब खरीदते खरीदते आप ये भूल गए कि अरुण कोई सामान नहीं था जिसे आप मेरी इच्छा के लिए खरीद लेते। वर्तिका तुम भैया प्लीज़ आज मुझे मेरी मन की बात कह लेने दीजिए। आपको क्या लगता है कि आपकी जोर जबरदस्ती से शादी हो भी जाती तो क्या होता? क्या मैं उसके दिल में जगह बना पाती? कभी नहीं। और आप ये बात कैसे भूल जाए जो खुद अपने त्याग से अपने प्रेम की रक्षा करते हैं। फिर रंजीत फिर कुछ कहने वाला था पर वर्तिका उसे हाथ के संकेत से रोकती हुई कहती रही, अरुण तब कसूरवार होता जब उसने मुझसे कोई वादा किया होता या प्यार का कोई सपना ही दिखाया होता, बल्कि मैं ही कितनी बार उसके लिए बिछने को तैयार हो गई पर उसने कभी इसे मौके की तरह नहीं लिया। वो चाहता तो मेरे साथ कुछ भी कर सकता था और मैं उसमें पीछे इतनी पागल थी कि शायद ही कभी उफ़ी करती, पर उसने कभी हमारे बीच की सीमा रेखा नहीं लांगी। क्या इस बात के कसूर की सजा आप उसे देंगे? रंजीत अब वर्तिका से नज़र फेरे खड़ा था और वर्तिका कही जा रही थी, प्यार छीनने या हड़पने से नहीं मिलता, उसे जीना कमाना पड़ता है। अपने त्याग और समर्पण से जो अरुण ने किरण के लिए और किरण ने अरुण के लिए किया वो है प्यार, और इस प्यार को मैं किसी भी कीमत पर कुछ भी होने नहीं दूंगी। दृढ़ता से कहती है वर्तिका रंजीत की आंखों के सामने आती हुई कहने लगी, और अगर इस प्यार के बीच में आप आए तो उस वक्त मैं भूल जाऊंगी कि आपका और मेरा क्या रिश्ता है। वर्तिका, हाँ भैया, अब मैं आपको सौगंध है कि मेरी आप अरुण और किरण के बीच नहीं आएंगे। वैसे भी उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है, अब मैं उन्हें अलग नहीं होने दूंगी। कहती हुई झुक कर उन टुकड़ों को उठाती हुई साफ करने लगी। रंजीत के हाव भाव बेहद निरपेक्ष नजर आ रहे थे।
वर्तिकान टुकड़ों को बड़े करीने से साफ करती करती सुबक रही थी। वो भाई था जिसने बच्चे की तरह अपनी बहन को बड़ा किया था। जानता था कि जिस बात के लिए वे अपने ही भाई से लड़ रही है उसे उसके लिए ही स्वीकारने में उसने कितना हौसला किया होगा। रंजीत वर्तिका को पकड़ कर उठाते हुए उसका चेहरा गौर से देखता हुआ कहता है, तुम्हारी खुशी के लिए अपनी जान देने वाला जो भाई हौसला रखता है उससे अपनी खुशी मांग रही है, तो जा, तुझे जो चाहिए सब मिल जाएगा। ये सुनते बिफरती हुई वर्तिका रंजीत से छोटे बच्ची से लिपट गई। उस पल दोनों भाई बहन नीर बहाते उस वक्त को अपनी यादों से धोने की निराश्रित कोशिश करने लगे। विवेक मेनका की हथेली अभी भी पकड़े था और उसकी नज़र मॉनिटर पर थी। उसकी लाइन अभी भी बहुत कम कर्व के साथ लगातार सपाट होती जा रही थी। ये देखते उसके हलक से जैसे कोई दबी चीख निकल गई। उसकी आवाज़ सुनते वहाँ मौजूद मेडिकल स्टाफ जो बगल के सेक्शन में था तुरंत उस रूप में आता है। मौजूद डॉक्टर नर्स को दूसरे कार्डियक एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलाने को कहता, दूसरे जूनियर डॉक्टर को मेनका का लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगाने को बोलता है। मॉनिटर की लाइन लगातार समतल होती जा रही थी। उस पल इतनी इमरजेंसी हो गई कि मिनटों का समय सेकंडों में बीता जा रहा था। मेनका की हथेली थामे विवेक की नज़र मॉनिटर पर और फिर मेनका की उखड़ती सांसों पर थी। नर्स दौड़ती हुई बाहर निकली थी पर अभी तक डॉक्टर नहीं आया था और यहाँ मेनका की सांसें लगातार मध्यम पड़ती जा रही थी। डॉक्टर स्ट्रोक माइल्ड करने दूसरे डॉक्टर को आवाज़ देता है, कम फास्ट, गिव मी वेलक्स। उनके बोलते हैं डॉक्टर बिजली की फूर्ती से ट्रे से इंजेक्शन निकालने लगता है। कमरे में मौजूद दो डॉक्टर अपनी हद से कोशिश में मेनका को ट्रीटमेंट पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। वह बीता हुआ वक्त उससे भी तेज़ी से भाग रहा था, जैसे उस पल मौत की रफ्तार जिंदगी के आगे तेज होती जा रही हो और उसी रफ्तार से मेनका की सांसें उखड़ती जा रही थी। उस पल जब सेकंडों में निर्णय लिया जाना था, जो विवेक ने मेनका का हाथ थामे ले लिया और उसके फेस के मास्क हटाकर उसे तुरंत CPR देने लगा। एक डॉक्टर हाथ में इंजेक्शन तो दूसरा लाइफ सिस्टम सपोर्ट की वायर कनेक्ट करता रह गया और विवेक मेनका में जीवन सांसें भरने लगा। डॉक्टरों की नज़र में वो भी CPR लग सकता था जब मुँह से मुँह के भीतर सांसें भरकर सांस दी जाती है, पर विवेक तो अपनी आत्मा अपनी जिंदगी के भीतर उड़े रहा था, जैसे अपना समस्त उस प्रेम में नौछावर किए दे रहा। वे अभी भी एक हाथ से मेनका की हथेली थामे था तो दूसरे हाथ से उसके होंठों को पकड़े उसमें सांसें भर रहा था। उसी वक्त आवाज़ सुनते अरुण भूमि वहाँ प्रवेश करते दरवाजे पे ही ठिठके रह जाते हैं और ठीक उनके पीछे पीछे डॉक्टर की टीम अंदर प्रवेश करती है। चंद सेकेंड में अपनी अंतरस सांसें मेनका के भीतर डालते सच में पुनर्जीवित हो उठी। वह तेज तेज सांसें भरने लगी। अब विवेक हट जाता है, उसकी नज़र मॉनिटर पर गई जहाँ अच्छा खासा कर्व शो करने लगा था। ये उस अंतर आत्मा की जीत थी जिससे उसका समस्त दिल बसता था। आज सत्यवान अपनी सावित्री को वापस ले आया था। सारे डॉक्टर तुरंत सारे मेडिकल इक्विपमेंट लिए मेनका के शरीर में लगाने लगते हैं, पर उस सबके चेहरे की घबराहट अब कम हो गई थी। जबकि दरवाजे पर रुके अरुण भूमि औचक ये सारा दृश्य देखते धीरे धीरे मेनका की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें देखते कार्डियक एक्सपर्ट जल्दी से बोलता है, शी इज आउट ऑफ डेंजर। ये सुनते भूमि अरुण नम आंखों से एक दूसरे को देखने लगे। मेनका की सांसों के साथ साथ उनके हृदय की गति भी सामान्य हो चली थी। अब मेनका पर से ध्यान हटाकर भूमि का ध्यान विवेक की ओर जाता है, जो डॉक्टर की बात सुनते ही बाहर निकल गया था। भूमि विवेक को पुकारती तुरंत बाहर निकलती है। वे बाहर खड़ी आसपास देखती है पर विवेक उसे कहीं नजर नहीं आता। शायद वह जा चुका था। अब उसकी निगाह उस गलियारी तक गई जहाँ से दीवान साहब और आकाश साथ में चले आ रहे थे। अब भूमि उनके इंतजार में वहीं खड़ी रहती है। किरण के मन की विवशता तो बस उसका मन जानता था। न अपने बाबूजी को कुछ कह सकती थी और न अपने मन को ही समझा पा रही थी। उसका मौन उसके मन की गहरी खाई बनता जा रहा था। मेनका की हालत सुनने के बाद बस एक भगवान की शरण थी जहाँ उसका समस्त मन लगा हुआ था। राजवीर जो कह कर गया था कि हॉस्पिटल की पल पल की खबर वह देता रहेगा, मेनका की खतरे से बाहर आने की खबर लिए एक बार फिर वह सोली में किरण के सामने खड़ा था। ये सुनते किरण भगवान से नमस्तक होती रह गई। कितना कुछ एक ही दिन में हो गया, लगा जैसे पल घंटों में तब्दील हो गया हो। जो काटे नहीं कट रहा था। मेनका खतरे से बाहर आ गई। उसने आँख खोलकर सबको देखा, अपने पिता, दोनों भाई और भाभी को। फिर उतनी ही उदासीनता से उसने आंखें बंद कर ली। डॉक्टर सारा चेकअप करके बगल के सेक्शन में थे। दीवान साहब पहली बार मेनका की शादी के बाद उसके आमने सामने आए थे। वे मौन कुछ पल तक उसके पास बैठे रहे,
कि भूमि उन्हें अपने साथ वापस मिशन ले गई। हालांकि वे इस वक्त जाना नहीं चाहते थे, पर अरुण और आकाश दोनों इस वक्त मिनका के पास रुके रहे थे, इसे वे वापस लौट गए। पर आज अपनी बेटी के दर्द ने बहुत कुछ उनके अंतरस चका दिया था। उनका मन बहुत सारे प्रश्नों में उलझ कर रह गया था। अब उन्हें इंतजार था उन प्रश्नों के उत्तर का। वो सारी शाम से रात तक भी दोनों भाई मिनका के अगल बगल बैठे थे। इस वक्त दोनों के हाव भाव में गहरा अपराध बोझ छाया था, एक जिसे अपराध करके शर्मिंदगी थी और दूसरा जिससे अनजानी गलती हुई थी। पर दोनों ही हालातों में उनकी निर्दोष बहन उनका भुगतान भुगत रही थी। मिनका होश में थी, फिर भी उसने आँख खोलकर एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखा था। ये सजा ही उन दोनों भाइयों के लिए काफी थी। वे देर तक यूं ही नजरें झुकाए बैठे रहे। दीवान साहब को उनके कमरे में पहुंचाकर भूमि उन्हें दवा देती, उन्हें आराम करने को कह रही थी। अब आप कुछ ही मत सोचिए, मेनका बिल्कुल ठीक है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सोचता तो यही हूँ कि सब ठीक हो जाए, मेनका घर वापस आ जाए तो मनोहर से मिलने जाऊँ। जी, लगता है आपके मिलने के बाद ही वे मानेंगे। वैसे कभी कभी कितना गलत निर्णय होता है। जब शादी में मुझे जाना चाहिए था तब आपकी मेरे न जाने की बात मैंने मान ली, और जब आपको जाना चाहिए था तब मैं चली गई। पर अब नहीं, अब बस आपके जाने पे ही बिगड़ी बात बनेगी। भूमि की बात पर दीवान साहब सहमत होते बस कहने वाले थे कि डोर पर नॉक होता है और हरमन काका आते बोलते हैं, वो राजवीर आपसे मिलने को बोले हैं, क्या कह दूँ बहू जी? ये सुनते भूमि जल्दी से कहती, हाँ भेज दीजिए उसे। भूमि अब बाहर निकल ही रही थी कि राजवीर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तुम यहाँ क्यों वापस आ गए? मैंने कहा था ना कि वहीं रहना। वो मुझे मालकिन के बाबूजी ने जाने को बोल दिया और कहा। क्या कहा? कि और कोई यहाँ से वहाँ ना आए, नहीं तो उन्हें घर बदलना पड़ेगा। नजरें नीचे किए राजवीर खड़ा था और उसकी बात सुनते भूमि का चेहरा सन्न रह गया। वे अभी भी दरवाजे की देहरी पर खड़े थी और संभव था कि उसकी बातें दीवान साहब भी सुन चुके थे। मेनका की मौत से वापस आते जिस दीवान परिवार की खुशियां वापस आ गई। उनके होंठों की रूठी हंसी अब उनके होंठों पर नजर आ रही थी। मेनका के सिरहाने भूमि और अरुण बैठे थे। मेनका थोड़ी रूठी रूठी सी अरुण के विपरीत देख रही थी, जबकि मेनका को बेहद स्नेह से देख रहा था। इतनी नाराज हो अपने भाई से कि मेरी तरफ देखोगी भी नहीं? तुम्हें क्या पता कि तुम्हें इस तरह बुरी हालत में देखना मेरे लिए कितनी बड़ी सजा थी। मेनका नजरे फेरे कुछ बूंदों को अपनी गालों से लुढ़कने से नहीं रोक पाती। अब अरुण उसके हाथ पर हाथ रखते कहने लगा, तुम्हें लेकर कोई बात हो तो किसी और पर ध्यान गया ही नहीं, और शायद इसलिए जज्बाती होते मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। सोचता हूँ अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो पता नहीं मैं खुद को क्या सजा देता, शायद मौत से ही बदतर। भैया, मेनका भरे नयन से अरुण की ओर देखती है। अरुण के सारे शब्द जैसे चुक गए थे। वे मेनका को अपने पहलू में समेटता हुआ कह रहा था, क्या अभी माफ नहीं करोगी? भूमि जो तब से भाई बहन का स्नेह देखती है खुद भावुक हुई जा रही थी। उन दोनों के सर पर हाथ फेरती हुई कहने लगी, क्या मेनका समझती नहीं कि उसका भाई उसके लिए क्या नहीं कर सकता है? जितना वह दर्द में थी क्या उससे कम दर्द में तुम थे अरुण? मेनका का हाथ पकड़े पकड़े अब अरुण कहने लगा, तुम यही चाहती थी ना कि विवेक से बात करूँ, तो मैं उससे ज़रूर बात करूँगा। क्या सच में भैया? हाँ, वैसे भी बहुत कुछ ठीक करना शेष है, फिलहाल तुम आराम करो, अब मैं चैन से ऑफिस जाऊँगा। अरुण, चैन से ऑफिस जाने से ज़रूरी है तुम्हारा चैन से आराम करना। पिछली रात से तुम सोई नहीं हो, बस ऑफिस से हॉस्पिटल ही चक्कर काट रहे हो। मूमी की हल्की झिड़की पर अरुण हौले से हंसता हुआ कहता है, बस कुछ मामले और ठीक कर लूँ तो चैन से आराम से ही सो जाऊँगा भाभी। कहता हुआ अरुण जल्दी से बाहर चला जाता है। उसके जाते भूमि की गोद में सर रखे मेनका कहती है, भाभी मुझे यहाँ हॉस्पिटल में नहीं रहना, मुझे अपने कमरे में वापस जाना है। ठीक है, मैं वहाँ सारा अरेंजमेंट करा दूँगी, बस एक बार डॉक्टर से लास्ट ओपिनियन तो ले लूँ। तुम्हारे बिना तो मेंशन भी सुना है और क्षितिज भी कितनी बार तुम्हें पूछ चुका है। मेनका भूमि का हाथ कसकर पकड़े थी तो मेनका के सर को सहलाती हुई कह रही थी, मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, किरण मेंशन में वापस आ जाए और विवेक इन सब बातों को किसी तरह से भूल सके बस। भूमि जो अनदेखा ख्वाब देख रही थी कुछ पल के लिए सोचते मेनका के होंठ हल्के से खिल जाते हैं। अरुण जैसे ही ऑफिस के लिए निकल रहा था उसी समय ब्रिज का कॉल आ गया, जो उसे जल्दी ऑफिस आने को बोल रहे थे, और सच में समस्या उसके सामने मुंह खोले खड़ी थी। मिराज अली अपने कुछ आदमियों संग गेट को ही वे ही लाल झंडा लिए हंगामा मचा रहा था। उसके साथ कुबेर भी खड़ा था।
वे उसकी और बाकी के दो और मजदूरों की बहाली की मांग पर अड़ा था। अरुण की कार को दूर से आते देख वे अपने कुछ आदमियों संग और जोर जोर से नारे लगाने लगा। ये देखते गेट मैन उसे किनारे खड़ा होता हुआ कार के लिए रास्ता बनाने लगा। जब मिराज अली को लगा कि उसकी बात अनसुनी करके कार आगे बढ़ी जा रही है तो वह जोर से कह उठा, विमान है नया सीईओ, विमान है। कार गेट के अंदर आते एक झटके से रुक गई और ये देखते उन सबकी आवाज भी जैसे वहीं थमी रह गई। ड्राइविंग सीट पे निकलता अरुण अब उनकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखते ब्रज और माधव जल्दी से उसकी तरफ दौड़ आते हैं और ठीक यही वक्त था जब इस हंगामे की खबर मिलते आकाश तुरंत अरुण को कॉल लगा लेता है। अरुण का मोबाइल लिए माधव जल्दी से कॉल ऑन करके उसे देता है। उस बार से आकाश तेज स्वर में कह रहा था, इन सब के हंगामे को सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय वैसे भी कुछ वर्कर्स को निकालने का समय आ गया है, ऊपर से इन सबको रख कर और प्रॉब्लम नहीं बढ़ानी। आई कैन हैंडल एवरीथिंग, उसकी ये कहते जहाँ आकाश का मुंह धुआं हो उठा वही मोबाइल पकड़े माधव पीछे की ओर रुका रह गया। अरुण को देखते मिराज अली व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहता है, क्या हुआ सेठ, हवा टाइट हो गई? सोच लो अगर इन तीनों की बहाली नहीं हुई तो हम इसे ये बड़ी हड़ताल का रूप देने से भी नहीं रुकेंगे। बोलो सेठ क्या सोच रहे हो, अब अपनी फैक्ट्री की गिरती जीटीबी को रोना मत रोने लगना। हंसी उड़ाने के अंदाज से वह कह रहा था। उसे उम्मीद थी कि इस समय जब उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब हो रही है तब एक मजदूर का भार भी उनकी स्थिति पे फर्क डाल सकता था। बस उसे इस तरह के बहाने की जरूरत थी कि मौका मिले और वे इस बात को कस कर भुनाए, जबकि कुबेर की आंखों में कुछ उम्मीद सी बनने लगी थी। ब्रज अरुण को रोकते हुए कहता है, अभी इन सबसे उलझने की जरूरत नहीं है, आप चलिए मैं इनसे निपटता हूँ। अरुण ने हाथ से रुकने का संकेत करते मिराज की ओर सख्त नजर से देखता हुआ कहता है, खुद ही सवाल उठाकर खुद ही जवाब दे रहे हो, अभी मैंने अपना जवाब नहीं दिया। तो दे दो ना सेठ। आई अप्रूव द रिस्टेटमेंट ऑफ दीज थ्री लेबर्स, कहता हुआ अरुण वापस अपनी कार की ओर मुड़ जाता है। कुबेर अनबुझा सा मिराज से पूछते हैं, ये क्या अंग्रेजी में बोल के गए हैं? उसको सुनते जहाँ मिराज का चेहरा उतर गया वही माधव आगे आता हुआ कहता है, मतलब तुम्हारी बहाली मंजूर कर ली गई है क्या? सच में? कुबेर खुश होता मिराज की तरफ देखता है जो भरसक अपने हाव भाव में इस बात की खलिस छिपा लेना चाहता था। माधव जहाँ मजदूरों की ओर देख रहा था वहीं फोन के दूसरी ओर से उसका निर्णय सुनते आकाश कॉल डिस्कनेक्ट कर चुका था। कार की तरफ आते ब्रिज आगे बढ़कर उसके लिए डोर खोलकर खड़ा रहता है। अब अरुण कार में बैठ रहा था तो ब्रिज धीरे से कहते हैं, इस वक्त ऐसा करना हमें मुश्किल में डाल सकता है। नहीं करता तो और भी बड़ी मुश्किल हो सकती थी, अगर अभी कोई एक मजदूर भी असंतुष्ट रह गया तो बाकियों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये सब बस हमें रोकने की कोशिश भर है। सोचिए कुबेर तो काफ़ी समय से बहाली का इंतजार कर रहा था, फिर अभी क्यों उसका लीडर जाग गया? कहता हुआ अरुण वापस कार में बैठ जाता है और उसके बैठते डोर बंद करते ब्रिज भी सोचने पड़ जाता है कि इस बात पर उसका ध्यान गया ही नहीं कि ये सब किसी साजिश की तरह हो सकता है। वो अरुण के तेज दिमाग का लोहा तो पहले से ही मानते थे, अब इस बात के उसके और मुरीद हो गए थे। अरुण अपने केबल में आते जरूरी फाइल्स को देखता हुआ कुछ याद करते माधव से कहता है, ये रूबी कहाँ है, उसे बुलाओ इसी वक्त। सर वो आई थी कल पर आधे समय से ही चली गई और आज तो आई भी नहीं। उससे मुझे मिलना है, अब चाहे उसके घर जाकर उसे बुलाना पड़े या कॉल करके, उसे तुरंत बुलाओ। ओके सर। माधव तुरंत बाहर निकल गया। उसके जाते अरुण एक कॉल करके होटल ब्लू मून में अपने लिए एक रूम बुक करने लगता है। अपने केबिन में आरामदायक स्थिति में रहने पर भी आकाश के चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थी। आज रात ही उसे स्टेला से मिलने जाना था और इस अवसर को वह अपनी जिंदगी का आखिरी अवसर मानता हुआ घबराया हुआ था। यही एक खबर रूबी के जरिए सलवन को और इसके जरिए विवेक को लग गई थी और वह भी आज रात स्टेला से मिलने को उतना ही व्यग्र था। रात का समा जैसे तमाम असमंजस को अपने अंदर समेटे हुए था। जहाँ आकाश आखिरी बार स्टेला से मिलकर अपने बीच के सारे झंझट अब खत्म करने पर उतारू था, वहीं विवेक को कुछ ऐसे की तलाश थी जिससे वे अपनी अगली चाल चल सके। और वहीं अरुण भी आज इस राज की गहरी परत को उघाड़ लेना चाहता था, लेकिन इन सबको भी नहीं पता था कि इस रात के बाद से उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाने वाला है। अरुण के स्टेला के रूम तक पहुँचने के लिए नेट से इस होटल का सर्वे कर लिया और इससे उसने ठीक उसके बगल वाला रूम अनजान नाम से ले लिया। स्टेला उसकी मधोशी में गुम एक हाथ में शराब का गिलास तो दूसरे हाथ में जलती सिगरेट का कश लेती लेती रूम में टहल रही थी। तभी दरवाजे पर नॉक होते हुए डोर ओपन करने पहुंची।
वह दरवाज़ा खोल भी नहीं पाई कि कोई उसे पीछे ढकेलता हुआ उसके ठीक सामने खड़ा था। पहले तो स्टेला हचकचा उठी। ठीक सामने उस शख्स को देखते उसके चेहरे पर एक मादक हंसी तैर गई। उसकी नज़रों के ठीक सामने विवेक खड़ा था, जो अपनी कलाई की घड़ी उतारता अपनी पॉकेट में रख रहा था। असल में कमरे में जबरन घुसने में उसकी वॉच का शीशा चिटक गया था। कुछ पल के लिए उसका ध्यान वॉच पर था, जबकि स्टेला का पूरा ध्यान विवेक पर। अब वह अपने हाथ में एक तेज छुरा लिए उसे घूरता हुआ देख रहा था, जबकि स्टेला बिल्कुल रिलैक्स थी। वह विवेक की मौजूदगी को नज़रअंदाज करती हुई सोफे पर धंसती हुई कह रही थी, मुझे पता था कि एक ना एक दिन तुम मेरे पास ज़रूर आओगे, और देखो वह दिन आ ही गया। और हाँ, ये छुरी काटा मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो चाहिए वह मैं खुद तुम्हें दे दूँगी। विवेक आश्चर्य से देखता थोड़ा उलझा हुआ था कि वे आगे क्या कहेगी या करेगी। स्टेला अपने अंदाज में कहती रही, तुम्हारा दुश्मन आकाश दीवान है ना, तुम उससे बेहतर कौन इसमें तुम्हारी मदद करेगा। उसने तुम्हारी बहन के साथ बहुत बुरा किया, बड़ी भोली और बहुत ही बेवकूफ़ थी वो। जब वो आकाश से बहुत कुछ ले सकती थी, तब बस वह उससे बच्चा लेने के पीछे पागल बनी थी। स्टेला हंसी उड़ाने वाले अंदाज से कह रही थी, जबकि ये सब सुनते वे का खून खोला जा रहा था। बस सच की गहराई को जानने के उद्वेग में वे किसी तरह से अपने गुस्से में काबू किए चुपचाप खड़ा उसे सुन रहा था। वे गहरा कश लेकर बाहर उछलती हुई कहने लगी, मुझे आकाश दीवान से जो चाहिए था मैंने वो सब से उससे ज़्यादा ही ले लिया, और अब वो मेरे किसी काम का नहीं। तो तुम ये पेन ड्राइव ले जा सकते हो, पर हाँ, इसे देखने से पहले ज़रा समझ लेना, क्योंकि शायद अपनी बहन तारा को आकाश के तुम इस तरह से देख नहीं पाओगे, बड़े गहरे रिश्ते थे ना उनके। कहती है वे एक बार और कसकर हंस पड़ती है, जबकि विवेक एक बार फिर खून का कड़वा घूंट पीकर रह गया। विवेक उसकी नज़रों के सामने रखी एक प्राइव उठाते हुए उसे देख रहा था, और उसे इस तरह देखते स्टेला कहने लगी, अरे सही ड्राइव है, मैं बेईमानी का काम भी बड़ी ईमानदारी से करती हूँ। अब तुम इस सबूत के जरिए आकाश को कठपुतली की तरह नचा सकते हो, जैसे आज तक मैं करती आ रही थी। अपनी परिवार की इज्जत के लिए हर बार मेरी आंखें झुकता चला गया, इमोशनल फूल। अगर ये झूठ निकला तो तुम्हारा खून होने से मुझे कोई नहीं रोक सकेगा, ये बात अच्छे से याद रखना। कहता विवेक तुरंत उठकर बाहर निकलने लगता है। उन दोनों को ये खबर नहीं थी कि सटी बालकनी से अरुण स्टेला और विवेक की छिपी बात सुन रहा था। तभी उसे सामने आना सही नहीं लगा, क्योंकि उसे तो आकाश का इंतज़ार था। वे कुछ देर वापस अपने रूम में चला गया, और जैसे ही आकाश के आने का समय हुआ, अरुण फिर उस बालकनी से स्टेला के कमरे में झाँकने लगा। पर इस बार कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। वहाँ इतना अंधेरा था कि कमरा कहाँ शुरू और कहाँ खत्म हो रहा था कुछ समझ नहीं पा रहा था। तब उसे कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई देती, जैसे कमरे में अभी भी कोई आया हो। अरुण पर आवाज़ सुन रहा था, पर इस वक्त वे कुछ ज़्यादा ही मौन था। तभी लाइटर की हल्की रोशनी हुई और उसे कमरे के बीचों बीच खड़ा आकाश दिखता है। ये सब देखते अरुण कुछ प्रतिक्रिया भी नहीं करता, पर उसी वक्त आकाश लड़खड़ाते हुए गिरते एकदम से चिल्ला पड़ा। आकाश की चीख सुनते अरुण तुरंत ही उसके पास आने से खुद को नहीं रोक सका। अब कमरे के बीचों बीच दोनों साथ में खड़े एक दूसरे को नहीं बल्कि अपने सामने मुंह के बल पड़ी खून से लथपथ किसी लाश को देख रहे थे। उस वक्त दोनों की स्थिति बेहद असमंजस वाली थी। उन्हें नहीं पता था कि वे अगली किस मुश्किल में फंसने वाले हैं। आकाश हाथ में अभी भी लाइटर जलाए हथपथ खड़ा था। उसकी नजरों का दृश्य उसके लिए अकल्पनीय था। ये स्टेला है, अरुण की आवाज पर आकाश की तंद्रा टूटी, जिससे वह उसकी ओर देखता हुआ पूरी तरह से हड़बड़ाता बोल उठा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं जब आया तो पहले से मर चुकी थी, मैंने सच में कुछ नहीं किया अरुण। आकाश पैनिक हुआ जा रहा था, जबकि अरुण की नज़र में वह लाश पर थी। उस पल इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया कि वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे इन सबके प्रति रिएक्ट करे। मुझे यहाँ आने नहीं चाहिए था, उस मुझे संग ऐसा कर रही है, मुझे यहाँ नहीं चाहिए था, मैं भी निकल जाता हूँ। हड़बड़ाता हुआ आकाश निकलने को व्यग्र हुआ जा रहा था। ये देखते अरुण जल्दी से उसे टोकता है, रुके, इस तरह से नहीं, इस रूम से निकलने कोई और देख सकता है। फिर अरुण अब जल्दी से आकाश को अपनी बात समझाता हुआ उसे बगल के रूम में ले जाता है। उसी ने बुक कर रखा था। उस वक्त दोनों की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, पर अरुण हालत में भी अब सोच समझ कर कर रहा था। वह तुरंत ही रूम ऑर्डर पर अपनी इस मीटिंग कैंसिल होने की बात को कहता रूम वैकेंट होने को कह देता है। अब दोनों उस रूम को एक एक करके निकलने लगते हैं। पहले आकाश बाहर निकलता है, फिर उसे कुछ देर बाद अरुण भी उस कमरे से निकल जाता है। स्टेला का मर्डर
और अचानक आकाश और अरुण का दोनों साथ में वहाँ मौजूद होना, आगे क्या होने वाला है जानने के लिए सुनते रहे बेइंतहा सफ़र इश्क का। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से साझा करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।